बात ऐसी है कि ये तीन अक्षरों का शब्द ओटीटी, जिस पर देखने को आपको हर हफ्ते से एक नई मूवी मिल जाती है, उसी में ऐड कर लीजिए आप एक और मूवी डार्लिंग्स, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, जो कि रिलीज हुई है इसी हफ्ते 5 दिसंबर को, जिसमें ना तो कोई बड़ा कास्ट है और ना ही कोई बड़े चेहरे का कास्ट इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको विजय वर्मा, आलिया भट्ट, शिवाली शाह, राजेश शर्मा और रोशन मैथ्यू, जिसमें से मुझे सरप्राइज किया आलिया भट्ट ने, जिनकी एक्टिंग दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है इस मूवी में। उनका ये लुक आपने जरूर पसंद किया था गली बॉय में, पर वहां पर इनका बहुत ही कम यूज किया गया, पर इस मूवी उस लुक का बहुत ही अच्छा यूज किया गया है उनकी बोली का और उनके तरीकों का। मूवी कोई बड़े कास्ट के साथ नहीं है, पर मूवी पूरा मजेदार है, मूवी पूरी मसालेदार है। इस मूवी में आपको विजय वर्मा और शिवाली शाह भी अपनी एक्टिंग से आपको पूरा टट करेंगे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो इस मूवी में। बात करें मूवी की तो मूवी सिंपल है, सीधी है, जो कि दिखा रही है डोमेस्टिक वायलेंस को, जिसमें आप मजबूर हो जाएंगे देखने को कौन गलत है कौन सही है, जिसमें आपको ये बंदा जो कि विलन का रोल प्ले कर रहा है, कभी तो आपको बिल्कुल सही लगेगा पर किसी टाइम ऐसा लगेगा इसको आप खुद जाके अपने हाथों से मार दे। पर अपनी हीरोइन ना तो कोई पुलिस कंप्लेंट करती है ना ही कोई एक्शन लेती है, जब पानी सर से ऊपर से गुजर जाता है और कुछ ऐसा घटना हो जाता है जिसके कारण अपनी हीरोइन कुछ ऐसा एक्शन ले लेती है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए, जिसमें उसका साथ देती है उसकी माँ जो कि बनाना चाहती है अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, और इनका साथ देता है उनका एक दोस्त जो कि है जुल्फी, जो बनना चाहता है बहुत बड़ा राइटर, पर वो उनके साथ फंस जाता है और देखने में मजा आता है कि कैसे ये तीनों इससे निकलते हैं। बात ऐसी है कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक दलदल में फंसा हुआ आदमी और धंसता जाता है पर वो इससे निकल नहीं पाता, पर इस मूवी में देखने में मजा आता है कि ये तीनों कैसे बाहर निकल पाते हैं कि नहीं। पर मूवी के आखिर में कुछ ऐसा होता है जिससे आप सरप्राइज हो जाएंगे और सोचने मजबूर हो जाएंगे क्या ऐसा होना चाहिए था कि नहीं। बात करें गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स की तो मूवी अच्छी है, मूवी डार्क कॉमेडी के साथ आपको इमोशन और रोमांस भी लेके आती है जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। मूवी में कोई भी फाउल लैंग्वेज नहीं यूज किया गया, कोई भी खराब सीन नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर जो कि कुछ ही सेकंड्स के लिए है, पर मूवी में देखने को बहुत अच्छी लग रही है। अब बात करें बैड पॉइंट्स की, मूवी में कुछ सीन ऐसे जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं जो कि एक जैसे ही लग रहे हैं देखने में, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जाइए और देखिए इस मूवी को जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, जो कि देखने में मजेदार और मसालेदार लग रही है, जो कि फैमिली पैकेज के साथ आ रही है, जो कि अच्छी है। सो आप देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।